हेलो एंड वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखा था, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं और वहीं पे ये दोनों के दोनों अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। नाउ अगर हम ग्रुप वन की बात करेंगे तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो NS1 हो जाता है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एस शेल में जाता है और वो वन ही होता है। इस वजह से उस सिर्फ 1s के लिए, मतलब एक s जो मिलता है उसके लिए उसको पूरा का पूरा एक नया ऑर्बिट जनरेट करना पड़ता है। इस वजह से इसका साइज बहुत बढ़ जाता है। तो सारे के सारे अल्कली मेटल्स का साइज बहुत बड़ा है एज कम्पेयर विद द अदर मेटल्स इन द सेम पीरियड। इस वजह से उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये सॉफ्ट और वाइट शाइन करने वाले, सिल्वरी वाइट शाइन करने वाले मेटल्स हमें ग्रुप वन में मिलते हैं। नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, ऐसे एलिमेंट्स ग्रुप वन में होते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में तो हमने सारा डिस्कस कर लिया पिछले वीडियोज में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से लेके फ्रांशियम तक के सारे एलिमेंट्स को कंबाइनली अल्कली मेटल बोला जाता है। नाउ अगर हम फ्रांशियम की बात करेंगे तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और बहुत ही शॉर्ट लाइफ होने की वजह से, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होने की वजह से ये जनरली हमें एटमॉस्फेयर में उतना अच्छे क्वांटिटी में पाया नहीं जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में वो सिक्स और सेवन्थ एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। नाउ अगर हम ग्रुप टू की बात करेंगे तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ऐसे एलिमेंट्स ग्रुप टू में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो लास्ट शेल है उसमें NS2 होता है। ओके, मतलब यहाँ पे लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो यस शेल के ही होते हैं। नाउ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है, ये भी सिल्वरी वाइट ही होते हैं, ये भी सॉफ्ट ही होते हैं, बट इसके कंपेयर में थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरह से हमने ग्रुप टू के बारे में बात की। यहाँ पे अगर हम रेडियम की बात करें तो इसको मदाम क्यूरी ने ढूंढा था और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही सारा रेडिएशन का एक दौर शुरू हो गया। तो इस तरह से हमने ग्रुप वन ग्रुप टू के एलिमेंट्स के बारे में समझा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझने के लिए सबसे पहले ऑब्बो प्रिंसिपल समझना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें से देख के उसको अच्छे से समझ लीजिए और फिर वापस आप आके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए। एक बात तो पता चल गई हमें कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यस ऑर्बिटल में ही जाने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फील करने हैं हर एक एटम का। तो हम रैंडमली दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं कौन सा ले, पोटेशियम एक लेते हैं और रुबिडियम एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे दो एटम्स हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देने के लिए आपको क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्बो प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इसका जो मिनिमम एनर्जी फर्स्ट रूल होता है उस हिसाब से आपके पास क्या सीक्वेंस मिलता है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखेंगे पहले पोटेशियम के लिए। नाउ क्या मिला यहाँ पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, क्योंकि यहाँ पे टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स है तो फास्ट होगा। अगर हम बात करें रुबिडियम की तो यहाँ पे क्या होगा, रुबिडियम के अंदर टोटल 37 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देना है इसी लॉजिक से तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, देख लेते हैं एक बार गिन के, तो हमें आइडिया आएगा कितने हो गए, 10 और ये 20। तो अभी हमारे पास कितने बचे, 17। तो यहाँ पे 3d में कितने हो जाएंगे, 10। अब क्या हो गया, 4p, p का कैपेसिटी कितना है, 6 का, तो भर दो पूरा का पूरा 4p6। और फाइनली आप 5 में कितने बचेंगे, एक बार गिन लो, 10, 20, 30, 36 और बचा 1। तो ये रूल अपना अभी भी सेम रहा, एस्टैब्लिश हो गया। इस तरह से लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें हमेशा किस में एंटर हो रहा है, यहाँ पे एस शेल के अंदर, और हमें कितना मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, NS1। वापस एक बार, इसी तरह अगर आप ग्रुप टू से लोगे तो NS2 मिलेगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप ऑब्बो प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स भी दे सकते हो। बहुत ही आसान था। दैट्स ऑल, थैंक यू।